हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए कोई नया नहीं है। पिछले साल के सिलेबस में भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा हुआ है। डिस्काउंट हो सकता है आपके लिए नया हो। तो आइए जल्दी से कुछ फॉर्मूले रिकॉल कर लेते हैं जो आपने पिछले साल पढ़े हुए हैं। जैसे प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100, लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इनटू कॉस्ट प्राइस बाय 100। वैसे ही लॉस अगर आपको निकालना हो तो लॉस परसेंट इनटू सीपी बाय 100। ये सारे आपके पिछले साल के फॉर्मूलेज हैं और आपको ये सारे फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है और आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसी तरीके से यहाँ पर हम बात करते हैं सिचुएशन की। जब आपको सेलिंग प्राइस दिया हो, जब आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो, कॉस्ट प्राइस दिया हो और प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट दिया हो, तो इनकेस प्रॉफिट परसेंट दिया है और आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है और आपके पास कॉस्ट प्राइस है, तो उसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। सिमिलरली अगर आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है और लॉस परसेंट दिया हो, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। वैसे ही कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला, जब आपके पास सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट हो, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएंगे और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं पॉज करके, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट नंबर 1। बाई सेलिंग अ बेडशीट फॉर ₹640, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 28%। हाउ मच डिड इट कॉस्ट द शॉपकीपर बाय सेलिंग अ बेडशीट। इट मीन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ बेडशीट इज गिवेन एंड दैट इज ₹640। ऑल्सो वी नो द प्रॉफिट परसेंट, शॉपकीपर हैज अर्न प्रॉफिट, तो शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है ये बेडशीट बेचने से, 28% का प्रॉफिट। हमको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस, हाउ मच डिड इट कॉस्ट द शॉपकीपर, इसका मतलब हमको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ऐसी एक सुंदर सी बेडशीट जो है शॉपकीपर को सेल करना है और आपको पता है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सो सेलिंग प्राइस इज 640 इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज 28, विच इज इक्वल टू 640 इंटू 100 बाई 128। ऑल राइट, सो वी कैन डिवाइड द 640 बाई 128 एंड दैट इज 5 टाइम्स दी 128। सो 5 इंटू 100, द कॉस्ट प्राइस इज ₹500। सो शॉपकीपर ने इसको खरीदा था ₹500 में। ओके, ऑल राइट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। राजन परचेज 250 पैकेट्स ऑफ ब्लेड्स एट रेट ऑफ ₹8 पर पैकेट। ही सोल्ड 70% ऑफ द पैकेट्स एट द रेट ऑफ ₹11 पर पैकेट एंड रिमेनिंग पैकेट्स एट द रेट ऑफ ₹9 पर पैकेट। फाइंड द गेन परसेंट। तो राजन ने ऐसे बहुत सारे ब्लेड यानी कि 250 ब्लेड्स खरीदे और उसमें से हर एक ब्लेड को कितने में खरीदा उसने, ₹8 पर पैकेट के रेट से उसने ये ब्लेड्स खरीदे। पर सेल करते हुए इसने इसको दो पार्ट में सेल किया, एक इसके 70% जो पैकेट्स ऑफ ब्लेड थे उसको उसने सेल किया ₹11 पर पैकेट के हिसाब से, और बाकी के जो बचे 30% पैकेट्स हैं उसको उसने ₹9 पर पैकेट के हिसाब से सेल किया। ओके, सो अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ हमको दिया है वन पैकेट, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पैकेट इज ₹8, तो हम फाइंड कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ ऐसे 250 पैकेट्स कितने होंगे। दैट इज 250 इंटू 8 एंड दिस इज ₹2000।
अब बात रही जैसा उसने बोला कि 70% पैकेट्स सेल किए 11 रुपीज़ में, तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि 70% ऑफ 250 पैकेट्स कितना होगा। सो दैट विल बी 70/100 इंटू 250, राइट। सो दिस इज 25 × 7, दिस इज 175 पैकेट्स। अब देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 175 पैकेट्स कितना होगा, क्योंकि 1 का तो 8 रुपीज़ है, तो 175 का निकालने के लिए आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो द आंसर विल बी 1400 रुपीज़। अब ये जो 70% वाला लॉट है उसको उसने सेल किया है हर एक को 11 रुपीज़ में। सो सेलिंग प्राइस ऑफ वन पैकेट इन दिस कंडीशन इज ₹11। सो सेलिंग प्राइस ऑफ सच 175 पैकेट्स क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, सिंपली 175 को 11 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, एंड यू विल गेट 1925। अब ये तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब इसको हुआ है प्रॉफिट। और प्रॉफिट इन सच केस क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारे सामने 1925 और कॉस्ट प्राइस है 1400, दोनों को माइनस कर देते हैं, आंसर आया ₹525 का उसको यहां पर हुआ है प्रॉफिट। वैसे ही हम निकाल लेते हैं रिमेनिंग पैकेट्स कितने होंगे। तो रिमेनिंग पैकेट्स हैं 250 पैकेट्स है, उसमें से 175 जो है आप माइनस कर दीजिए। सो 250 माइनस 175 गिव्स यू 75 पैकेट्स बचे हुए हैं। अच्छा, कॉस्ट प्राइस तो सबका सेम है 8 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 75 पैकेट्स क्या होंगे, वी सिंपली मल्टीप्लाई 75/8, दैट इज 600 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस की बात करें, अब ये जो दूसरा लॉट है उसको उसने सेल किया है 9 रुपीज पर पैकेट के रेट से। सो सेलिंग प्राइस ऑफ दिस रिमेनिंग 75 पैकेट्स हो जाएगा 75 × 9। सो दिस 75 × 9 गिव्स यू 675 रुपीज। अब आप देखो कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 600 है, और जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो 75% है, मतलब इस केस में भी इसको प्रॉफिट हुआ है, और वो प्रॉफिट हुआ है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विच इज 675 - 600, जिसका मतलब 75 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अब हमको निकालना है कि फाइंड इज गेन परसेंट। तो देखते हैं भाई टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, इसको टोटल कॉस्ट प्राइस है इसका 2000 रुपीज, टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ इसको। तो पिछले ट्रांजेक्शन में जो 70% वाला है उसमें हुआ 525, और अभी हो रहा है उसको 75 रुपीज, इसका मतलब 600 रुपीज का टोटल प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस है और हमारे पास प्रॉफिट है, तो क्या हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट by CP into 100। तो टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है, 600 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस है 2000 रुपीज, एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाई 100। सो दिस गॉट कैंसल, दिस इज ऑल्सो गॉट कैंसल, 2 1 2 3 0। सो टोटल प्रॉफिट परसेंट इस ट्रांजेक्शन में है, दैट इज 30%। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंकित सोल्ड 2 जीन्स फॉर ₹990 ईच, ऑन वन ही गेन्स 10% एंड ऑन द अदर ही लॉस 10%, फाइंड गेन और लॉस परसेंट इन द होल
तो अंकित ने ऐसे दो जीन्स परचेस किए, एक दोनों को उसने 990 रुपीज़ में सेल किया, दोनों को उसने 990 रुपीज़ में सेल किया। एक जीन्स पे उसको हो गया 10% का प्रॉफिट और दूसरे जीन्स में उसको हो गया 10% का लॉस। अब इस सिनेरियो में हमको बताना है कि उसका टोटल या प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट इस पूरे ट्रांजेक्शन में क्या था। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट जीन्स, फर्स्ट जीन्स ये फर्स्ट, और ये हो गया हमारा सेकेंड जीन्स। सो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट जीन्स हो गया 990 रुपीज़, और प्रॉफिट परसेंट जो है इस केस में, प्रॉफिट परसेंट वो है 10%। तो चलिए कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज सेलिंग प्राइस इंटू 100। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए इसको, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये हो गया 990 × 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट प्लस 10 कर लेंगे इसमें। आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा 990 × 100 बाई 110। 0 0 कैंसल, 11 1 9 जा। सो इस केस में इसकी कॉस्ट प्राइस है 900 रुपीज़। तो पहले वाले जीन्स को उसने सेल तो 990 में किया था, पर कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी, 900 रुपीज़, जिस पे उसको गेन हुआ। ओके, अब देखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड जीन्स कितना है। तो सेकेंड जीन्स का भी उतना ही है जो फर्स्ट जीन्स का है, दैट इज 990 रुपीज़। इसके अलावा इसमें हो गया है उसको लॉस, जिसका कि लॉस परसेंट है 10%। अगेन हमको कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला पता है, व्हेन द कॉस्ट प्राइस, व्हेन द लॉस परसेंट इज गिवन। सो ये हो गया सेलिंग प्राइस 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया 990 × 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा यहाँ पे 990 × 100 बाई 90, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 11। सो दिस इज रुपीज 1100। दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस देखो, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, लॉस हुआ था ऑब्वियसली। अब इस पूरे होल ट्रांजेक्शन के सिनेरियो में हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ। सो पहले वाले का कॉस्ट प्राइस है 900 और दूसरे का 1100। सो 900 प्लस 1100 दूसरे वाले जीन्स का प्राइस है, सो दिस विल बिकम 2000 रुपीज़। टोटल कॉस्ट प्राइस है 2000। वैसे अगर हम बात करें टोटल सेलिंग प्राइस की, तो ये हो जाएगा 990 प्लस 990। सो दिस इज 1980 रुपीज़। अब ये सीधी सी बात है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पर हो रहा है लॉस, और लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस है आपके पास 2000 माइनस 1980, तो यहाँ पे लॉस आ गया 20 रुपीज़। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है लॉस परसेंट। सो लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है, लॉस इंटू सीपी, लॉस बाई सीपी इंटू 100। लॉस हो रहा है 20 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस है हमारा 2000 रुपीज़, और 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 कैंसिल और ये भी 0 कैंसिल। ओके, सो 1% का लॉस हो रहा है इस पूरे ट्रांजेक्शन में। तो स्टूडेंट, अगर आपने इसको नोट डाउन नहीं किया है, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, सच एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। निधि परचेस टू सारीज फॉर रुपीज 2150 ईच। शी सोल्ड वन सारी एट लॉस ऑफ 8% एंड अदर एट गेन। इफ शी हैड अ गेन ऑफ रुपीज 1230 ऑन द होल ट्रांजेक्शन, फाइंड दी सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड साड़ी। तो निधि ने क्या किया, दोनों दो साड़ी खरीद, दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 2150, 2150, और पहले वाली साड़ी को उसने सेल किया 8% के लॉस पे, 8% का लॉस हुआ पहली वाली साड़ी पे।
जबकि दूसरी वाली पे कुछ गेन हुआ है, और हमको अब इसका क्या पता करना है, सेलिंग प्राइस पता करना है किसका, दूसरी साड़ी का। इसके अलावा जो इन दोनों साड़ी को सेल करते हुए इस पूरे ट्रांजेक्शन में निधि को 1230 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट साड़ी कितना है, यह 2150, और इसमें आपको लॉस परसेंट भी गिवन है, लॉस परसेंट कितना है 8%। तो क्या हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं फर्स्ट साड़ी की, यस। सेलिंग प्राइस का हम लगा लेते हैं फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100, राइट। इस फॉर्मूले में आप पुट कर दो तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट साड़ी हो जाएगा 2150, 100 माइनस 8 बाय 100, सो ये हो गया 00 कैंसिल, 215 इंटू 92 बाई 10, तो हो जाएगा 19, सो 215 इंटू 92 विल बी 19780 बाई 10। तो यहाँ पे 00 कैंसिल हो गया, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट साड़ी आ गया आपके पास 1978। अब बात करते हैं कि हम दोनों इस पूरे ट्रांजेक्शन में टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था। तो दो साड़ी सेल की, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, यानी कि 2150, और ऐसी दो साड़ी सेल की, दो साड़ी परचेस की, तो उन दोनों का कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हो गया 4300, यानी कि 4300। और हमको प्रॉफिट इस पूरे ट्रांजेक्शन में हुआ, इस पूरे ट्रांजेक्शन में हमको प्रॉफिट हुआ 1230 रुपीज़ का। तो इस हिसाब से सेलिंग प्राइस ऑफ होल ट्रांजेक्शन हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस है टोटल होल ट्रांजेक्शन का 4300, प्रॉफिट है 1230, ऐड करने से आपके पास क्या आता है 5530 रुपीज़। अब इसमें से एक साड़ी का सेलिंग प्राइस तो आपको मिल गया है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ अगर आपको सेकंड साड़ी निकालनी हो तो ये पूरे सेलिंग प्राइस जो टोटल सेलिंग प्राइस है उसमें से 1978, यानी कि पहले वाली साड़ी की हम प्राइस माइनस कर देते हैं, पहले वाले साड़ी के प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया 3552। सो सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड साड़ी इज 3552। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बाई सेलिंग 35 ग्रीटिंग कार्ड्स अ शॉपकीपर लूजेस एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड्स, फाइंड द लॉस परसेंट। तो यहाँ पर ना तो आपके पास सेलिंग प्राइस है, ना आपके पास कॉस्ट प्राइस है, और ना ही आपके पास प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट परसेंट है। थोड़ा अलग टाइप का आपको क्वेश्चन लग सकता है, पर अगर आपको ध्यान से पढ़ो तो हमको इसमें सिर्फ परसेंट फाइंड करना है, राइट। तो 35 ऐसे ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, 35 ग्रीटिंग कार्ड्स, और शॉपकीपर अगर इन 35 ग्रीटिंग कार्ड्स को सेल करता है तो उसको लॉस कितना होता है, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड्स। सेल करने पे 5 ग्रीटिंग कार्ड्स के जितना लॉस होता है उसको। अब इसकी प्राइस हमको पता नहीं है, सो लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ वन कार्ड बी एक्स रुपीस। तो एक कार्ड का सेलिंग प्राइस हम ले लेते हैं एक्स रुपीस। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 35 सच कार्ड्स कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली दैट इज 35x। अब लॉस है इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड्स कितना होगा 5x, तो लॉस कितना हो गया उसका 5x, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 35x। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस हो जाता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास 35x और लॉस हो गया 5x, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया यहां पर 40x। अब आपको लॉस पता है, कॉस्ट प्राइस पता है,
क्या हम लॉस परसेंट फाइन कर सकते हैं? बिल्कुल फाइन कर सकते हैं। लॉस परसेंट होता है लॉस बाई सी पी इंटू 100। इस फॉर्मूले में आपको सिंपली पुट कर देना है, लॉस है आपके पास 5x इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस इज 40x। दिस x एंड x गॉट कैंसल, 5 1 5 8 4 2 और ये हो गया 4 से 25। सो 25/2% या आप बोल सकते हो 12 1/2% का लॉस हुआ है बाई सेलिंग 35 ग्रीटिंग कार्ड्स। एंड सिक्स क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दिस वर्कशीट, अ मैन बॉट बनानास एट रेट ऑफ 10 फॉर रुपीज 45 एंड सोल्ड एट रेट ऑफ 1 dozen बनाना फॉर रुपीज 51, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो यहां पर आप देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बनानास दिया हुआ आपको, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बनानास इज 45 rupees। तो क्या हम पता कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 banana कितना होगा? विल बी 45/10, इसका मतलब 4.5 rupees 1 banana का कॉस्ट है। तो इस तरीके से क्या हम पता कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 bananas, यानी कि 1 dozen बनाना, 12 banana। तो हमको क्या करना है, यूनिट प्राइस जो है 4.5 उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 और ये आ गया 54 rupees। तो यहां पर आप देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 dozen बनाना इज 54 rupees एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 dozen बनाना इज रुपीज 51, राइट? तो सेलिंग प्राइस यहां पे कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब हो रहा है उसको लॉस, और लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो दिस इज 54 - 51, 3 rupees का लॉस हो रहा है उसको। अब हमको यहां पर फाइंड करना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, लॉस बाई सी पी इंटू 100। लॉस हो रहा है इसको यहाँ पे 3 rupees का, 3 बाय कॉस्ट प्राइस है इस केस में 50 rupees एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 100। सो 3 1 18 राइट, सो 2 9 एंड दिस विल बी 250। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 50/9%, इसका मतलब 5 9 5 45 होता है, तो ये हो गया 9 5/9% का लॉस हुआ है। ओके, सो यहां पर इस ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ है 5 5/9% का। नाउ लेट्स मूव टू द वर्कशीट नंबर 2, पर उसके पहले हमको समझना पड़ेगा डिस्काउंट।